और तीसरी बैठक की चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें दोस्तों, ये बैठक हुई थी 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1946, और इस समय भी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं दोस्तों? अध्यक्षता कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन कर रहे हैं? सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें कहते हैं कि इस बैठक में बहुत ही शानदार काम हुआ। हम जानते हैं कि स्थायी अध्यक्ष बनेगा तो उसका नामांकन होगा, नाम लिए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी, है ना, और यानी नामांकन होगा अध्यक्ष का, भाई कौन कौन इसमें नामांकन हिस्सा लेना चाहता है चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में। तो इसके लिए एक संकल्प पारित हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, स्थायी अध्यक्ष के नामांकन हेतु संकल्प पारित किया गया। क्या पारित किया गया? संकल्प पारित किया गया। और यह संकल्प जो है पेश किसने किया? जेबी कृपलानी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी सदस्यों ने इस संकल्प को पारित कर दिया और समय निर्धारित कर दिया, ये बात है 1 बजे की, 10 दिसंबर 1946 को 1 बजे सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता कर रहे थे और ये नामांकन के लिए संकल्प पारित हुआ सदन में। और इसी संकल्प के तहत 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ कि 2:30 बजे तक हम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए नामांकन लेंगे। कुछ लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए और अगले दिन इलेक्शन होगा। दोस्तों अगले दिन का मतलब 11 तारीख को इलेक्शन की तारीख निश्चित की गई 11:30 बजे। तो तारीख है दोस्तों 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक। मैं आपको सीधी तीसरी बैठक की ओर लिए चल रहा हूं, 3 नंबर बैठक दोस्तों, तीसरी बैठक आपको याद रखनी है, तीसरी बैठक, तारीख है आपकी 11 दिसंबर 1946। दोस्तों इस समय स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और निर्वाचित अध्यक्ष कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। क्या बन गए भाई? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, चुने गए लिखा है, यानी इलेक्शन हुआ था। और आज भी लोकसभा अध्यक्ष का भी इलेक्शन होता है, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष का भी इलेक्शन होता है, ध्यान रखना, चुन करके ही वो बनते हैं, सदस्य ही आपस में वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी वोटिंग हुई थी 11 दिसंबर की मॉर्निंग में 11:30 बजे 11 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 के दिन क्या बन गए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस प्रकार से ये बैठक नंबर तीसरी है दोस्तों, इसकी संख्या उत्तर नंबर 3 होगा, तीसरी बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट है।